यहोवा नसी है, हमारा जय का भगाता है वो। हालेलुया, सारे शत्रु की शक्ति को यीशु के नाम से कुछ चलने वाला परमेश्वर है। आज आज का वचन प्रभु परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर हमारे सबसे अच्छी चीज पर हाथ लगाता है। आप किससे ज्यादा प्यार करते हो उसको ही प्रभु पकड़ लेता है, क्योंकि प्रभु जलस हो जाता है, जलस, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। तो वो आप जब किसी और को प्यार करना शुरू कर देते हैं तो वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि आप जो है किसी और को प्यार कर रहे हो और उसको ज्यादा समय दे रहे हो। बाइबल में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण ताकत से अपने प्रभु से प्रेम कर। ये सबसे बड़ी आज्ञा है, ये बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा है कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। और सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि प्रभु से सबसे पहले प्रेम करना है। तो वैसे अब्राहम जब अपने बेटे को प्यार कर रहा था, और अब्राहम अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, और बेटे का नाम क्या था? इसहाक। और जब बेटे को प्यार करता तो परमेश्वर ने कहा कि ये बेटा मुझे चाहिए। प्रभु कहने की बेटा मुझे चाहिए, तो जो है, लेकिन अब्राहम जो है बहुत विश्वास का व्यक्ति है। उसने उसने विश्वास किया कि अगर इसको जला भी देना इसहाक को, तो उस राख में से भी प्रभु जो है मेरे लिए संतान उत्पन्न करेगा। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है जो है प्रभु इस चट्टान में से भी इब्राहिम की संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रभु के लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं। इसलिए प्रभु ने जब इसहाक के ऊपर हाथ धर दिया कि ये इसहाक मुझे चाहिए, तुरंत अब्राहम निकला और जो है मोरिया देश में निकला और उस पहाड़ पर बलिदान करने के लिए निकला और वहां पे बलिदान करने के लिए चढ़ाने के लिए। तो प्रभु हमारे सबसे प्यारी चीज को मांगता है, जिसको हम सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, वो प्यारी चीज जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। प्रभु कहीं ऐसा आके ये ना कह दे कि मुझे क्या चाहिए, तेरी मम्मी चाहिए, तेरे पापा चाहिए, तेरे भाई चाहिए। हाँ प्रभु ले जा मम्मी 10 दिन के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु कहता कि नहीं, 10 दिन के लिए तेरा फोन चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, फोन, और वो भी कितने दिन के लिए? मम्मी जाके तो कोई बात नहीं, पापा जाएंगे तो कुछ बात नहीं, लेकिन फोन, फोन के बिना मैं कैसे जीऊं? यही प्रभु कह रहा है कि तुम ऐसा मेरे लिए कहो कि मेरे बिना तुम कैसे जी सकते हो। हालेलुया। और प्रियो जब जो है ये इब्राहिम को मानना पड़ेगा, इब्राहिम को इसलिए तो प्रभु ने आशीष दी क्योंकि इस इब्राहिम ने जो है अपने बेटे को चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया। इतना बड़ा बाप बेटे में क्या बातचीत चल रही थी देखेंगे, उत्पत्ति उसके 22:7 से लेकर। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? बाप बेटे जा रहे हैं और बाप ने बेटे को नहीं बताया कि मैं तुझको वेदी पे चढ़ा के चाकू से मारूंगा और तुझे जो है आग के हवाले कर दूंगा। और वो बेटा भी पूछ रहा है कि जो है पापा भेड़ बलि के लिए जो है इसके लिए कहाँ है, सारे होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? और प्रभु और वो भी बड़ा सुंदर उत्तर देता है, होम बलि की भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। उसमें उस विश्वास था। हालेलुया। जब हम प्रभु को दशमांश देते हैं तो वो दशमांश देने की ताकत भी प्रभु हमको देता है। हम जब दशमांश देते हैं तो प्रभु ही दिलवाता है हमसे, हम नहीं दिला सकते। बाइबल में लिखा है कि वो हमें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है ताकि जो वाचा हमारे पूर्वजों के साथ बांधी गई थी उसे पूरा करे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। जो है बाइबल में लिखा है कि तो सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और उस स्थान जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तो इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर कि लकड़ी के ऊपर रख दिया। और अब्राहम ने हाथ में हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को
बलि करे। यह है प्रभु का प्यार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने बेटे को भी रख दिया और जो है छुरी भी ले लिया, अब जो है अपने बेटे को मारने की जा रहा है। तभी यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंख उठाई और क्या देखा, तो उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाकर उसे मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। जोर से, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आज आपके जीवन में कौन सी परेशानी हो, तकलीफ है, मुसीबत है, हालेलुया, समस्या है, एक जगह है, हालेलुया, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाने के बाद इतनी आशीष मिलती है, तो पहाड़ पर जाने के बाद कितनी आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बंदा कह रहा है कि प्रभु मैं तो तेरे पहाड़ के पास देखता हूँ, वहां से मुझे आशीष मिलेगी, वहां से मुझे आशीष मिलेगी। और परमेश्वर का दास कहता है भजन संहिता 15 में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। पवित्र पर्वत पर बसने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा रे भैया, बताओ। पवित्र होना है, पश्चाताप करना है। सही बात है। और वेरी गुड, आज्ञा को मानना। और सही बोल रहे आप। पहले तो पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा ना, पहले तो पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, बसने के लिए तो चढ़ना तो पड़ेगा। ये पर्वत जो है, जो परमेश्वर का पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। पवित्र पर्वत पर बसने के लिए, ये पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए चढ़ना पड़ेगा। और वो चढ़ना कैसे चढ़ेगा, जब हम भारत स्काउट्स एंड गॉड गाइड्स में जो है दम थे, तो जो है हमको बताया गया था, अभी एक किला था वहां पे, महाराष्ट्र में बहुत सारे किले, तो उस किले पे चढ़ने के लिए बताया था, मेरा फर्स्ट नंबर आया था, क्योंकि जो है दर दर में चढ़ के एकदम ऊपर गया। और उतरते समय में सबसे आखिरी में था, इतने थक गए थे पांव, तो जो है लेकिन चढ़ते सबसे पहले चढ़ गया था। लेकिन ये पवित्र पर्वत पर कैसे चढ़ेंगे हम, ये बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। और हम जब हम चढ़ रहे थे, तो बड़ी बड़ी वो जो पुराने जमाने के लोग कितने बड़ी बड़ी जो है ये सीढ़ी चढ़ते थे, हम यहाँ पे चढ़ेंगे तो अरे बहुत बड़ी हो गई, अरे बहुत बड़ी हो गई, हम कहते हैं वो तो इतनी बड़ी बड़ी एक एक सीढ़ी होती वहां पर, हम देखो वहां पर और वो चढ़ रहे हैं। इलाइसपुर में जब हम लगा रहे हैं वहां पे सेटरिंग, मैडम ने कहा कि ज्यादा बड़ी सीढ़ी नहीं चाहिए, छोटी सीढ़ी लो, बुजुर्ग लोग आएंगे ऐसा होगा वैसा होगा। हम जो है इलाइसपुर में वहाँ भी दूसरा गेट खोल रहे हैं ना, जो मेन जहाँ से, तो मैं वही कह रहा था कि जो है, लेकिन यहाँ पे ये पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा भाई,
पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप, एकदम दसवीं सीढ़ी पर हम चढ़ नहीं सकते, पहली स्टेप फिर दूसरी स्टेप फिर तीसरी स्टेप फिर चौथी स्टेप। ये पवित्र पर्वत पर चढ़ना मतलब हमारे पापों को छोड़ना, गाली छोड़ दी, झूठ छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया, बैर भाव छोड़ दिया, और क्या छोड़ना है, बहुत कुछ छोड़ना है। और ये सब चीजें छोड़ने के बाद तब हम जाके पवित्र पर्वत पर जाएंगे, तब हम बसने की बात कहेंगे। आज आप प्रभु के भवन में आए हो, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के बहुत सारे लोग तो प्रभु के भवन में आ ही नहीं पाते, योजना बहुत बनाते हैं वो, उनकी योजना जो है एकदम सोमवार से शुरू हो जाती है, लेकिन वो योजना संडे को फेल हो जाती है, वो आ ही नहीं पाते वो। परमेश्वर के लोग, हालेलुया, हे परमेश्वर तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? पहली बात वो जो खराय से चलता है, दूसरी बात वो धर्म के काम करता है, तीसरी बात हृदय से सच बोलता है, चौथी बात जीभ से निंदा नहीं करता, चौथी पांचवी बात ना अपने मित्र की बुराई करता है, छठवीं बात ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और जो है वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य है, यहोवा जो यहोवा के डरवियों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। बाप रे, बहुत सारे 10-12 बातें हैं, आप घर जाके लिख लेना, और ये सब बातें करेंगे तो आप पवित्र परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाए। हालेलुया, निंदा नहीं करना भैया, मित्र की बुराई भी नहीं करना, पड़ोसी की निंदा सुनना भी नहीं, सुनना भी पाप बता रहा है, तो कितना जबरदस्त है। आज मैं देखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे कौन से बातों में परमेश्वर उपाय करेगा। वो वचन मुझे बड़ा सुंदर लगा, जो वचन जो है कल मैं पढ़ रहा था, यहोवा यरी मतलब यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। और जब आप ऊपर जाओगे पवित्रता के साथ रहोगे तो परमेश्वर आपको बहुत पैसा देगा, बहुत पैसा देगा। हमारे एक चर्च में एक व्यक्ति, उसको बहुत घूस मिलती है, लेकिन मैंने उसको बोला कि घूस खाना लेना और देना दोनों भी पाप है, अरे करना नहीं आपने। उसको बहुत तो घूस मिलती है, और मैंने कहा कि नहीं, ये घूस लेना नहीं और ना ही घर में लाना। मेरा भाई, बड़ा भाई, पास्टर देवदत्त गायकवाड़, वो सेवकाई करके काम भी करते थे FCI में, और वहाँ पे जब वो काम करते थे तो वहाँ पे वो जो लोग आते हैं और वो खरीदते हैं ना सामान वगैरह, इतना पैसा देते हैं वो सारे लोगों को, क्योंकि काम बन जाते हैं, बहुत घूस खिलाते। तो मेरा भाई घूस नहीं खाता था, तो मैंने कहा कि भाई काम नहीं लेते, बोले नहीं बाइबल मना करती ना, घूस खाना मना है। तो फिर मैं क्या करते, आप क्या करते, बोले वो पकड़ते यार प्रदीप, एकदम पॉकेट में डालते ऐसे, ये लो साफ लो। मैं निकाल के टेबल पे रख देता हूँ, भैया मुझे नहीं चाहिए। और बोले फिर, लेकिन कभी कभी वो छोड़ के चले जाते, क्या करेंगे, मैं लेता हूँ, गरीबों को देता हूँ, जाओ मैं ले लूंगा नहीं, मैं अपने घर में एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा, एक पैसा मैंने अभी तक नहीं लगाया। अभी इसलिए उनके बच्चे जो है बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास बन गए। हालेलुया, उन्होंने घूस का पैसा अपने बच्चों को नहीं खिलाया, इसलिए अब जो है उनका, उनके बच्चे को प्रोफेसी भी आती है और प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, और पूना में सुंदर सा चर्च वो चला रहे हैं। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को घूस का पैसा नहीं खिलाया, मेहनत का पैसा खिलाया। हालेलुया, मेहनत की रोटी खिलाए, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए हमें हालेलुया घूस ना खानी है ना खिलानी है। एक बार जो है उजारा FCI और मेरे भाई को भी पकड़ लिया उन्होंने, तुमने घूस खाई, बोले पता नहीं कितने सारे ट्रक्स जो है गायब कर दिए थे उन लोगों ने जो है सरकार के FCI का, तो जो है तो पकड़ लिया भैया, तो उसमें एक बहुत बड़ा अधिकारी है, तो उन्होंने कहा ये काम गायकवाड़ नहीं कर सकता, गायकवाड़ ने नहीं करा, मेरे ने कैसे बचाए गायकवाड़ को, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा लाओ सारी फाइल, कौन से दिन ये जो है कांड हुआ है, और देखा उन्होंने फाइल खोली, इस दिन गायकवाड़ आया था उस समय, नहीं गायकवाड़ नहीं आया था, छोड़ो गायकवाड़ को निकालो उसका, उसका जो पुलिस कंप्लेंट करी हुई है उसमें से गायकवाड़ का नाम हटाओ, क्योंकि उस समय वो छुट्टी पे था, और ज्यादा छुट गए मरे, और वो इतने खुश हो गए कि भैया प्रभु ने मुझे बचाया।
प्रभु अपने लोगों को बचाने का उपाय भी कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लिखा है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। बोलिए यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहाँ पे होम बलि की लिए भेड़ का उपाय किया गया, होम बलि की भेड़ का उपाय किया गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि शत्रुओं का भी प्रभु उपाय करता है, शत्रुओं का उपाय करता है प्रभु, शत्रुओं का। आज आपके शत्रु आपको तकलीफ दे रहे हैं, मुसीबत परेशान कर रहे हैं, समस्या में ला रहे हैं। हालेलुया, आप तो आत्मिक इज़राइल हो, आपके सारे शत्रुओं का उपाय परमेश्वर करेगा। हालेलुया, एक एक शत्रु को प्रभु दिखाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। हालेलुया, एस्तर जब हालेलुया अपने राजमहल में आराम कर रही थी और यहूदियों को मारने का दिन ठहराया गया था, यहूदियों के लिए षड्यंत्र रचा गया था कि इस दिन जो है सारे यहूदियों के घरों को लूटा जाए, यहूदियों को मारा जाए, और ये बात मोर्दकै को मालूम चली और ये बात जो है एस्तर को मालूम नहीं थी। और तब मोर्दकै जो है आप वो जो चाचा थे एस्तर के, हालेलुया, वो एस्तर को आके बोलते हैं कि तुझे मालूम है ऐसी ऐसी बात हुई है, ये राज्य की राज्य आज्ञा निकली है। और वो क्या कहते हैं देखो, तब मोर्दकै एस्तर 4:13, तब मोर्दकै ने एस्तर के पास ये कहला भेजा कि तू मनी में ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, मेरे पीछे बोलो, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे और किसी तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने घराने समेत नाश होगी। और फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको भी प्रभु ने बहुत अच्छा जगह पे रखा है, आपको राजकीय याजकगण बनाया है, आपको प्रभु परमेश्वर ने बहुत ऊंचे अवधे पे रखा है। सबसे बड़ा अवधा मतलब ये कि आप जीवित पाए जाते हैं। अगर जीवित नहीं होते तो सारे अवधे बेकार हो जाते तो। लेकिन आपको लिखा कि तो प्रभु परमेश्वर कहता है आज ये जैसे जो है मोर्दकै जो है अपनी बेटी एस्तर को समझाता है और कहता है कि तुझे राजपद इसीलिए मिला है कि तू यहूदियों का छुटकारा कर। आज यही वचन कलवरी चर्च के लोगों के पास आता है और प्रभु कहता है कि उन 20-20 लोगों के उद्धार के लिए तू कुछ क्या सोच रहा है, उनके उपाय कुछ कर, उनके उद्धार के लिए उपाय कर। बाप रे, जो है किसी ना किसी उपाय से यहूदी बची जाएंगे। प्रियो, जिनको बचना है वो बचेंगे। हो सकता है आप प्रचार ना करें, कोई और चर्च का व्यक्ति प्रचार करेगा और वो बच जाएगा, लेकिन अब आपको जो मौका मिला है तो आपको जाके प्रचार करना है और आपको प्रभु के पास उनको लाना है, तब परमेश्वर के लोगों आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। नहीं तो ऐसा हो भी सकता है ना। यहां पर लिखा है इस समय तो चुपचाप रहे, इस समय, समय की नजाकत देखो, इस समय कौन समय, जब यहूदी नाश होने वाले हैं, इस समय किस समय, जब सारी दुनिया अभी प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रही है, इस समय किस समय, जब प्रभु का आना नजदीक है, हमारी मौत कभी भी हो सकती है, इस समय यदि तू चुपचाप रहे, तू प्रचार ना करे, कलवरी चर्च के लोगों, इस समय अगर तुम प्रचार ना करो, इस समय अगर तुम शांत बैठे रहो, अपना इतना इंची देखते रहो या अपने फोन पे लगे रहो, प्रभु कहते हैं तो तू और तेरे घराने समेत नाश होगी। हो सकता है प्रभु अपना आपका नाम जीवन की पुस्तक में से भी काट सके, इसलिए तू चुपचाप ना रहे, प्रचार कर, प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बता। तुझे इसी काम के लिए राजपद मिला है, इसी काम के लिए तुझे राजकीय याचक गण बनाया गया है, इसी काम के लिए तुझे मसीह बनाया गया है। वाह, क्या वचन है परमेश्वर के लोगों, एस्तर का, एस्तर को अपने जो है यहूदी लोगों को बचाने का, उद्धार करने का उपाय प्रभु देता है। हालेलुया। अगर वो लोग नहीं करते, अगर एस्तर नहीं करता, तो किसी न किसी तरीके से तो यहूदियों का उद्धार तो हो ही जाता। तो होम बलि की भेड़ का उपाय प्रभु करता है और एस्तर के सारे दुश्मनों से एस्तर और सारे यहूदियों को बचाने का उपाय करता है। उपाय उपाय उपाय, ये शब्द आ रहा है ना,
किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा। तीसरा उपाय, प्रभु उपाय करने वाला है। उपाय का अर्थ क्या समझते आप? उपाय मतलब करता है, मुहैया करता है। वेरी गुड। उपाय मतलब सॉल्यूशन देता है। किस समस्या में हम जब फंस जाते हैं तो उससे निकलने का कोई सॉल्यूशन, उत्तर मुहैया करता है। एक मेढा दे दिया प्रभु ने वहां पर, है ना, उपाय। प्रभु उपाय करता है। तीसरा प्रकार का उपाय हम देखेंगे, दुष्ट आत्मा से जब भर जाते ना। जब एक बाप अपने बेटे को यीशु मसीह के चेले के पास ले आए और चेले निकाल नहीं पाए, तो फिर उस बाप ने उस बेटे को यीशु के पास लाया और यीशु ने उसको पूर्णतः तुरंत ठीक कर दिया। फिर चेले आके पूछने लगे, प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को आजाद क्यों नहीं कर सके? अब प्रभु उत्तर देता है मरकुस 9 अध्याय के 28-29 वचन में, उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बिना उपास प्रार्थना के, दूसरी जगह पे उपास लिखा है, ये जाति बिना उपास प्रार्थना के किसी उपाय से, कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। मरकुस 9 के 29 में कोई और उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। और कौन उपाय है? किसके नाम से? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु यीशु के नाम से उपास करो, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करो, तो ये जाति निकल जाएगी। आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा से भरे हुए मतलब ये वो? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा की शक्तियां काम करती है। दुष्ट आत्मा से भरे नहीं है, विश्वासी भी दुष्ट आत्मा की शक्तियों के जीवन में काम करती है। जब वो गुस्सा में आ जाते हैं तब देखना कैसे कर उठक पटक कर देते। मैं जब गुस्सा में आ जाता तो कितनी ब्लास्ट की बाल्टियां तोड़ी थी बचपन में। क्या हो गया भैया? ये गुस्से का दुष्ट आत्मा, गुस्से का दुष्ट आत्मा आता था मेरे अंदर और पता नहीं क्या क्या करवा देता था। फिर गालियां भी बकता था, क्या क्या करता था, बाप रे बहुत सारी। ये गुस्से की दुष्ट आत्मा है, बहुतों के जीवन में काम करती है। ये गुस्से की दुष्ट आत्मा को निकालना है, और ये बिना प्रार्थना और किसी उपाय से। आपको बैठ के घुटनों में प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा गुस्सा दूर हो जाए। फिर गालियां, है ना, यही तो है पवित्र पर्वत पर चढ़ना। एक स्टेप मतलब गाली छोड़ो, दूसरा स्टेप मतलब गुस्सा छोड़ो, तीसरा स्टेप मतलब दूसरों को माफ करो। अरे बहुत बड़ी बड़ी जो है ये सीढ़ियां हैं, जो किले बनते थे वो जो सीढ़ी उससे बड़ी बड़ी सीढ़ी है ये। गुस्सा छोड़ना कोई मजाक बात थोड़ी है, है ना। तो भी हालेलुया, आज प्रभु परमेश्वर हमसे बात करता है कि ये जाति बिना उपास प्रार्थना के नहीं निकलती, किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। एक ही उपाय है, यीशु मसीह उपाय है, लेकिन वो यीशु मसीह से काम करवाना है तो घुस नहीं, उपास और प्रार्थना। आजकल दुनिया में किसी से भी काम कराओ तो क्या करो, घुस दिलाओ, वो काम कराते हैं। घुस के बिना काम नहीं चलता आजकल। लेकिन हम विश्वासियों को, हमारा काम बिना घुस के चलता है, हमारा काम बिना घुस लेने और देने से चलता है। प्रभु करने वाला काम है, हालेलुया, हमारा काम प्रभु करने वाला है। तो ये दुष्ट आत्माएं जब आती है ना, बड़ा खतरनाक काम करती है। अभी मैं और जॉली हम दोनों मिलकर एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे बताए? फोन से निकाल रहे थे, मतलब फोन के द्वारा हम जो प्रार्थना कर रहे थे। तो एक हरप्रीत नाम के व्यक्ति है और वो बृहस्पतिवार को मेरे पास फोन आया, बोले आपके आप मुझे ना जो है इन इन व्यक्तियों ने आपका नंबर दिया है कि कार्य जल्दी जाओ, पास्टर प्रदीप से प्रार्थना कराओ, वो दुष्ट आप वही जो है करवाएंगे, इधर उधर मत भटको, आप उनके पास जाओ। तो मेरे पास आए और फिर बाद में आए, मतलब फोन किया और मैं तो सुधी बेटी पढ़ रहा था, सुधी बेट पढ़ते 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 प्रार्थना करते है दुष्ट आत्मा, बोले पास्टर यहाँ पे आ गया, अभी हाथ में आ गया, अभी पेट में घूम रहा है, अब पीठ में घूम रहा है, अब पाँव में घूम रहा है, अब यहाँ घूम रहा है। बोला अभी मत बताओ कहाँ का घूम रहा है, मुझे प्रार्थना करने दो। अभी मैं प्रार्थना करी, बोले अभी घूमना बंद हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आज बृहस्पति वाले चर्च में जाओ, पास्टर अब्राहम वहाँ पे है, प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। बोले ठीक है। वो निकले और निकलने के बाद ये मोती बाग के पास जाए, किसी गाड़ी ने टक्कर मारी उनको जोर से, स्कूटर पे थे वो, गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई,
बोले मुझे कहे पास्टर में पूरा विश्वासी नहीं हुआ, अभी नया नया हूँ, शैतान ने मैंने प्रभु को पूरी रीति से ग्रहण नहीं किया ना, इसलिए यह सब हो गया मेरे साथ, और मैं अभी बिस्तर पे हूँ, शैतान ने आने नहीं दिया मुझे। लेकिन अगले दिन मुझे पता नहीं था सब हो रहा है, मैंने पास्टर अब्राहम को पूछा क्या आए थे क्या कोई हर प्रेट, बोले पापा कोई नहीं आया। ठीक है, अगले दिन मैंने कहा इसको प्रार्थना नहीं करूँगा, बिस्तर के लिए इस बंदे के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, तुमको सही रास्ता बताया वो उल्टे उल्टे जाते हैं, क्या तरीका ये है वो है, मेरे मन में पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहा था। और फिर बाद में फोन उनका आया, ओ यस यस कैसे प्रदीप जी आप, बोला ठीक हूँ। मैंने कभी कहा कल क्यों नहीं आया, बोले मैं आ रहा था लेकिन आते आते जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे एकदम उन्होंने ये दिखाया फोटो दिखाया, बोले ऐसा ऐसा हो गया, शैतान ने आने नहीं दिया। बोले दिवाली में, इस दिवाली में मुझे बड़ा हालत खराब कर दी, 2 साल से दुष्ट आत्मा लगाए लेकिन इस दिवाली में मेरी हालत खराब हो गई, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई बात नहीं प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करी के बाद मैंने उसको लिया। फिर जब मैं प्रार्थना उसके लिए उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, शैतान फिर और एक बड़ी स्टेप ले लिया, बोले फिर उनका फोन आया पास्टर क्या, पर शैतान जो है मेरे मुँह से एकदम सांप की आवाज निकालता है, सांप की आवाज, क्लियर साहब की आवाज, मतलब बहुत साफ है देते हैं। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं ज्वाली ड्राइविंग जो है हम जा रहे दोनों उधर आ रहे लौट रहे हैं, वो साहब की आवाज आया हम सुन रहे हैं, पता नहीं कैसे आवाज आ रही हो, एकदम साफ की आवाज। मैंने फोन यहाँ पे रखा था कि मेरी आवाज उसको आ सके, यहीं से आवाज निकल रही है, शैतान तुझे बात देते हो ऋषि के नाम से। शैतान ने मुझे कहा अब चल मैं देखना तुझे तेरा एक्सीडेंट कराने वाला हूँ, फिर बाद में मैं अपने घर में, मेरे घर में तो प्रभु की दया से कोई एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ, मैंने अपने आप को यीशु के लोहे में ढांप लिया, अपनी गाड़ी को यीशु के लोहे में ढांप लिया, प्रार्थना करता रहा दुष्ट आत्मा हो, और वो उसका आवाज कितनी बार आया, 7-8 बार, तो ओ माय गॉड फस फस जैसे आवाज आती थी, इधर ही बस क्या आवाज आ रही है कहीं हंसा हो तो, लेकिन हाल लिया शैतान, शैतान का सर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, और शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों के द्वारा शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा, ऐसे बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं जो है हाल लिया उस गाड़ी चलाते 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 मैं कुचल देता था मैं हालेलुया। मैं गाड़ी तो एक ही हाथ से एक ही पांव से चलाता हूँ क्योंकि मेरा जो है ऑटो गियर शिफ्ट गाड़ी है, तो इसलिए मुझे गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं पांव से दूसरे पांव से कुचलता रहा शैतान को, भाई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तुझे कुचल देता हूँ, और ये जो है उसके जीवन में काम कर। आज मैंने फोन लगाया उनको, मैंने कहा आराधना सुनो और आराधना दे, फिर उनको गवाही दिलवाई मैंने, मतलब ब्रदर कैसा हो रहा है, बोले मेरे मुंह से साफ की आवाज निकल, चर्च में उन्होंने सारी गवाही बताई जो है जीवन नगर चर्च में। तो यहाँ पे हम देखते कि ये जाति बिना उपवास प्रार्थना से नहीं निकल सकती, ये दुष्ट आत्मा का काम हर एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा ना थोड़ा होता है, गाली देने का, गुस्सा करने का, विरोध में बोलने का, है ना, तो ये शैतान का काम जो है उसको रोकना है, आपको उसको रोकना है। आप अपने आप को कहो प्रभु जी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये प्रभु की ओर से नहीं है गुस्सा, ये झगड़ा ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान का आत्मा मुझको इस्तेमाल कर रहा है। और जब आप उस शैतान की आत्मा को रोकेंगे, ये आपके हाथ में है शैतान को रोकना, आपको प्रार्थना करनी है, आपको उपवास करना है और प्रभु से कहना कि प्रभु ये आत्मा मेरे जीवन में काम करने ना, आपके जीवन में क्या पाप है क्या पाप नहीं है वो तो आप ही को पता है और आप ही को लड़ना है, मुझे कुछ जरूरत भी नहीं आपके पापों के बारे में जानने की, मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे एक एक स्टेप करके तेरे पवित्र पर्वत पर बसना है मुझे, हालेलुया यस। तो यहाँ पे हम देखते कि कैसे वो दुष्ट आत्मा को दूर करने का उपाय प्रभु ने हमें बता दिया, यहोवा परमेश्वर उपाय करेगा, हालेलुया।
फिर एक और उपाय हम देखेंगे, और ये उपाय बताया जाता है लूका 5:18। और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। तो हर कृत के लिए हर एक प्रार्थना करें, हम उसको आजाद करेंगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से वो आजाद हो जाएगा और वो चर्च में आएंगे। मैंने उनको बताया कि भैया आपको आना है चर्च, बोले हाँ मैं जुड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ, मैं जुड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ, मैं आऊंगा और मैं चर्च में जुड़ूंगा आपके, लेकिन मुझको जो है आप ही के द्वारा जो है छुटकारा मिला है और मिल रहा है। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे रहा है, लेकिन हाँ प्रभु जरिया बनाता है। हालेलुया, मुझको जरिया बनाया था कि आपको छुटकारा मिले, लेकिन यीशु का नाम ही आपको छुटकारा दिलाएगा। आप प्रार्थना करते रहिए, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। अब यहाँ पे दूसरी जगह पे ये तीसरे प्रकार का जो है, चौथा प्रकार का जो है उपाय है ये, यीशु के सामने रखने का उपाय। बोलिए यीशु के सामने रखने का उपाय, यीशु के सामने रखने का उपाय। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का बेटा यहाँ पे आ गया था, ऐसे आया था ना? प्रशांत, यस प्रशांत आ गया यहाँ पे, प्रशांत वेरी गुड। ये ऐसे आए थे, आओ इधर आओ प्रशांत। प्रशांत ने क्या सुंदर शर्ट पहना आज। तो प्रशांत ऐसे ऐसे करके आए थे चर्च में, हमारे बेटे। हालेलुया। तो कितने दिन से खाना नहीं खाया था प्रशांत ने आपको? माई गॉड। और खाना नहीं खा रहे थे और ऐसे ऐसे करके आए थे, खाना हजम होता ही नहीं था और जो है बहुत मुश्किल थी इनकी। और इनको किसी ने बताया? किसने बताया था आपको? आशा बहन ने बताया था कि आप चर्च में आओ। ममता बहन ने बताया कि चर्च में जाओ और तुम्हें ठीक हो जाएगा। हाँ ट्रैक्स बांट रहे थे, हालेलुया। और उन्होंने बताया कि जो है, और जो उसके बाद में जो है ये ऐसे खड़े हो गए, तो पूरे ये ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे बहुत हालत खराब थी, बहुत पतले थे, इतना कैसे मोटे मोटे हो गए, इतने सुंदर कैसे हो गए। हालेलुया। अभी खाना खाते हो? कितनी रोटी खा लेते हो? 4-5 खा लेते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब ज्यादा और खाना है और मजबूत बनना है बेटा, शाबाश, ताली बजाएं इस बच्चे के लिए। हालेलुया। तो जो है ऐसा हो के आया था, एक निवाला नहीं खाता था। मम्मी का विश्वास तब, लक्ष्मी का विश्वास तब बढ़ गया कि मेरा बेटा जब ठीक हो गया तो मैं भी यीशु को मानूंगी। फिर उसका ये प्रॉब्लम उसके दूसरे बेटे पे आ गई, उसका दूसरा बेटा खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा है भैया मैं तुमको भेज रही हूँ, वो खुद चर्च नहीं आती थी, अपने बच्चों को भेजती थी, खुद चर्च में नहीं आती थी, अपने बच्चों को भेजती थी। मैंने कहा भाई मम्मी को बोलो तुम भी आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह झोले का मारा हुआ था जो बंदा, उसको भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। कैसा मैं, क्योंकि वहां पे क्या थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत हाउसफुल था पूरा। कैसे करें? फिर कहां से भेजा उसको? छत से भेजा, छत से भेजा। कहां पे भेजा? यीशु के सामने। अब वो बेचारे जो लोग बैठे होंगे उनके ऊपर ही खटिया उतर आ गई होगी। कैसा कैसा मंजर होगा, वो का माहौल कैसा होगा मुझे पता नहीं भैया। हालेलुया। लेकिन वो गया वहां पे, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये बंदा झोले का मारा पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ उठ और खाट उठाकर अपने घर जाएगा। जिस दिन प्रशांत यहाँ से प्रार्थना करके गया उसी दिन उसने खाना खाना शुरू कर दिया। और तब से लेके जो रोटियां बढ़ती जा रही है, आटा खत्म होता रहा है, आटा खत्म हो रहा है, आटा खत्म हो रहा है, हमारा बेटा और बलवंत होता जा रहा है। ताली बजाएं झोले के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। तब तो आटा बच रहा था लेकिन मम्मी ठीक नहीं, खुश नहीं थी। आटा तो बहुत बच रहा था, ऐसे आटा बचने से कोई फायदा नहीं रही हमारे भैया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हमारे बच्चे खाए पिए और खुशी रहे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वो ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठा के चला दिया। मुझे ये चमत्कार तो पता है आप सबको, लेकिन मुझे इसमें एक बात कहनी है कि वो लोग जो उसको यीशु के सामने लाने के लिए
उतारू थे या उसके सामने लाना चाह रहे थे। हालेलुया, आज इस बाप ने भी अपने बेटे को लाया है। हालेलुया, आज जो है हमारे सिस्टर एलिजाबेथ ने भी अपने पति को लाया है। हालेलुया, मेरी बहन ने अपने पापा को लाया है। नहीं पापा, चल चलो वहीं पे चंगाई मिलेगी। हालेलुया, वहीं पे चंगाई मिलेगी। चंगाई अगर पाएंगे तो वो सफदरजंग हॉस्पिटल में नहीं, वो एम्स में नहीं, वो अपोलो में नहीं, वो फफोलो में नहीं, लेकिन वो सिर्फ प्रभु यीशु के पास में देंगे। हालेलुया, हमें डॉक्टर पर भरोसा है। एम्स प्रभु ने बनाया है, सफदरजंग भी प्रभु का बनाया हुआ है, अपोलो भी प्रभु का बनाया है। हम मना नहीं करते डॉक्टर के पास जाने के लिए और उनको करने के लिए, लेकिन ये बहन को पूछो वो कितने डॉक्टर के पास गई, कितने दवाइयां खिलाई, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा था। जिंदगी पांच साल वो उपचार उपाय करती रही, उपाय करती रही, आखिर में उपाय कहां निकला? प्रभु के भवन में, प्रभु के भवन में उपाय निकलता। हालेलुया, परमेश्वर यहोवा के भवन में उपाय किया जाएगा। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पर्वत पे उपाय किया जाएगा। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है प्रियो। तो इसलिए आज आपका जीवन में चाहे जो भी बीमारी है, आप डॉक्टर के बारे में मत सोचो, आप मेडिसिन के बारे में मत सोचो, आप किसी हालेलुया स्पेशलिस्ट के बारे में मत सोचो, आप यीशु के बारे में सोचो। डॉक्टर प्रभु एक जरिया बनाएगा, मेडिसिन प्रभु जरिया बनाएगा, लेकिन अगर आप डॉक्टर पर भरोसे रखोगे, मेडिसिन पर भरोसे रखोगे, तो निराश हो जाओगे। हालेलुया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो डॉक्टर पर भरोसे रखते हैं, है ना। मेडिकल लोग कहते हैं, मेडिकल के लोगों को जो है, अरे क्या सिट्रोजिन लेना, अरे फिप्ट्रोजिन लेना, मुझे तो एक भी दवाई की जो है अभी मुझे ना, मेरे शुगर की दवाई कौन सी थी अभी तक मुझे याद नहीं। डॉक्टर मुझे अभी तक कौन सी दवाई थी पता नहीं, कौन सी थी उसे बोल बोलती मैं तो जो है मुझे, मैंने तो अभी सारी दवाई बंद कर दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस, जॉनरी दवाई बंद कर दी है। मैंने कहा डॉक्टर के पास पैसा दे दवाई ले। हालेलुया, मस्त जियो यार, जिंदगी का आनंद उठाओ बिना दवाई के। जो दवाई लेगा, ज्यादा दवाई लेगा, वो दवाई के कारण जल्दी मरने वाला है, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। मैंने कहा तो इसलिए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम लो और लंबी आयु पाओ। सिस्टर आयरिस जैसे 70 साल की हो जाओ। हालेलुया, आज सिस्टर जो है आयरिस ने जो है नई पर्स लाई है, नई पर्स, वाओ, हालेलुया, नई पर्स है। हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। आज मुझे बहुत खुशी है कि उनका वो अपना 70वां साल जो है जय बर्थडे मना रहे। ये तो प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर आयु लंबी कर देता है। मेरे पापा 101 सालों के मर गए। हालेलुया, ये प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो हम 38 साल में मर जाते थे हमारे खानदान में। प्रभु का हम धन्यवाद देते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु उपाय करेगा। आपकी हर समस्या का उपाय किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। प्रभु उपाय करेगा। हालेलुया, वो छोड़ेगा नहीं, वो उपाय करके रहेगा। पर परमेश्वर पर सिर्फ आपको क्या करना है? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जाके बसना है, वहां पे वो उपाय करेगा। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उपाय किया जाएगा, ऐसे अब्राहम ने कहा। हालेलुया, जब उसने देखा कि बेटे के बदले मेढ़ा है और उसको चढ़ाया उसने, और उसको वहां पे होम बलि क्या जो भी जो है वो जो है प्रभु पर आराधना करनी थी, इबादत करनी थी, वह उसने करी। हालेलुया, होम बलि चढ़ाई, कितनी खुशी की बात है। पर मैं तो आज आप जो है अपने आपके घर में कौन परेशान करता है आपको? कौन सा बेटा है? वो छोटा बेटा, बड़ा बेटा, नाटा बेटा, मोटा बेटा, जो भी बेटा है, बेटी है, आपको उसको प्रभु के सामने लाओ, प्रभु के सामने लाओ। इसने इन लोगों ने जो है खटिया से उतार दिया प्रभु यीशु के सामने। वो क्या करने लगे? लिखा है कि जो है वे यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। आज हम विश्वासियों को यही उपाय ढूंढना है परमेश्वर के सामने लाने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी समस्या को, कौन सी समस्या है? अपनी बीमारी को, कौन सी बीमारी है जो प्रभु ठीक ना कर सके? आपके जीवन में जो आंधी तूफान आए हैं, कौन से आंधी तूफान है जो प्रभु ठीक ना कर सके? प्रभु के सामने लाओ, उसे मेरे पास लाओ। प्रभु कहते उसे मेरे पास लाओ और प्रभु उसे ठीक करता है। प्रभु परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से आकाश पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से
आकाश पृथ्वी बाहे तेरे लिए कुछ ना कुछ ना कठिन तेरे लिए कुछ ना कठिन। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि उन्होंने ये मतलब अपने मन में ले लिया है कि अब ये काम ना ये प्रार्थना से नहीं हो सकता, ये प्रभु से नहीं हो सकता, ये ना बहुत कठिन समस्या है। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु आपकी समस्या, आपकी चिंता, आपकी परेशानी, प्रभु ये कहता है उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। प्रभु कहता है उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आज आपको उस आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी है उनको प्रभु कहता है कि मेरे पास, प्रभु के पास लाओ, चर्च में लाओ, 20 लोगों को चर्च में लाओ। प्रभु कहता है तो उसको हालेलुया यीशु के सामने रखने का वो उपाय ढूंढ रहे थे। वो एक था बड़ा बुद्धिजीवी, खुद एड़ दी और ऊपर से जो है उसको छोड़ दिया। अच्छा चमत्कार हो गया, वो उठा के जो है फिर से काट उठाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। हालेलुया वो खुद ही उठा के ले गया और उसको रास्ता मिल गया। हालेलुया वे जो है यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया अगर आपके मन में ये विश्वास उत्पन्न होगा कि मैं अपनी समस्या को, मैं अपनी पत्नी को, मैं अपने पति को प्रभु के सामने लाऊंगा तो वो ठीक हो जाएंगे, तो वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वो महिला कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और वो ठीक हो गई। हालेलुया। आपकी पत्नी अगर आपको परेशान करती है लेडीज मीटिंग में भेज दो उसको। आपका पति अगर आपको परेशान करता है मेंस मिनिस्ट्री में भेज दो उसको। आपका जवान बच्चा आपको परेशान करता है जवानों की सभा में भेजो उसको, अगर नहीं भी करते फिर भी भेजो। हालेलुया। अगर आपका सेल ग्रुप लीडर सही से रीति से सेल ग्रुप नहीं लेता है उसको जो है जीवन नगर में भेजो। आपके बच्चे हालेलुया बाइबल नहीं पढ़ते हैं उनको बोलो अब साउथ ईस्ट के दोनों सभा अटेंड करनी पड़ेगी तुझको बेटा, सुन ले अब तू बाइबल नहीं पढ़ रहा ना, दोनों सभा अटेंड करनी पड़ेगी। जीवन नगर वालों को मैंने बोला तीनों सभा अटेंड करनी पड़ेगी। Oh my God, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है उसे मेरे पास लाओ, प्रभु के भवन में लाओ, प्रभु को दे दो, प्रभु को करने दो काम, प्रभु काम करेगा। मेरी गाड़ी जब खराब हो जाती है तो मैं उसको मारुति वर्कशॉप में ले जाता हूं और वो वहां पे ठीक हो जाती है। आपकी जीवन गाड़ी आपको प्रभु के पास ले जाना। आपकी फैक्ट्री है वो प्रभु की फैक्ट्री, प्रभु ने आपकी अपनी फैक्ट्री में आपको बनाया है तो आपको प्रभु के पास जाना चाहिए। हालेलुया। ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो सो गए जोर से बोलो हालेलुया। देखो भाई ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। चलो अगला उपाय। हालेलुया। अगला उपाय भोजन का उपाय। भोजन का उपाय बाइबल में लिखा है लुका 9 अध्याय का हालेलुया 12 वचन से लेकर। जब वह दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर डीके और भोजन का उपाय करें क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। अरेशन से कहा तुम ही उन्हें खाने को दो, तुम ही उन्हें खाने को। बाप रे कितने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, तुम ही उनको खाने को दो। अरे प्रभु कैसे रे क्या रे, मैं खुद भूखा हूं ना प्रभु, मैं खुद भूखा हूं तो तुम कैसे कर रहे हो प्रभु, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो प्रभु। हालेलुया। आज प्रभु भी ये कह रहा है तुम ही सारे दिल्ली वासियों को खाना खिलाओ, उन 20 लोगों को तुम खाना खिलाओ, उनको आत्मिक भोजन खिलाओ। तुम्हारे पास वचन है हालेलुया, तुम उनको खिलाओ। आप खिलाते नहीं हो हालेलुया, सिर्फ चीनी पे टटे खाते हो और सिर्फ जो है मोमोज और चाउमिन बस इसी पे चलते रहते थोड़ा, लेकिन प्रभु कहता है कि
जीवन की रोटी खिलाओ उनको, जीवन की रोटी, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हो, मुझको खिलाओ उनको, हालेलुया, वचन की रोटी खिलाओ, हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है कि जो है वे कहने लगे अब कैसे खिलाए, कैसे खिलाए, प्रभु हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। और प्रभु ने कहा चलो बिठाओ सबको, 50-50 की पाते में देखो क्या। और उनके पास भी कितना बड़ा विश्वास, जो है जेलों के पास, चलो भाई खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, 50-50 की पाती बताओ, 50-50 की पाती बताओ, कहा वहां पे डेक्ची नहीं, कुछ नहीं, किसने पहुंचा जा लो यहाँ पे, आप 200-300 लोगों के लिए खाना बनाते, 5-5 डेक्ची बनाते, इतना टेंशन आ गया मेरे सारे बाल के लिए, तब से मैं खाना खाना बनाना बंद कर दिया। इधर से जाओ उधर, इधर भी देखो उधर भी देखो उधर भी देखो, मैं कहां का देखो, मैंने भैया छोड़ो खाना पीना, तुम खाना घर ही खाना खा के आया करो घर में, हम जैसे खाना बड़े देंगे, जो बड़ा अच्छा सेटल देगा प्रभु तब देंगे, तब देंगे, ये क्या तरीका है जो है। तो यहाँ पे जो है कोई चिकन भागा ले जा रहा है, कोई तेल भाग ले जा रहा है, कोई ये भाग ले जा रहा है, अरे मैं कहाँ देखूं, जो है वो जो खाना बनाने वाले कितनी बार पकड़ा मैंने, जो है उनको तेल भगाते भगाते, कोई ये चीजें भगाता है, कोई वो चीज भगाता है, कोई चिकन भाग कर रहा है, अरे क्या है मेरा, मैंने प्रभु तू ही बस अब छोड़ दो, मैं प्रभु का वचन खिलाने में लगा रहूंगा बस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को तब अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पाती पे बैठा दो, अरे बाप रे, और उन्होंने ऐसा ही किया और उन सबको बैठा दिया, और वे 5 रोटी और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परसे, हालेलुया, और वे सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भर कर उठाई। 5 रोटी मछली 2 खिलाया 5,000 को। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा विश्वास की कसौटी विश्वासियों चेलों की थी कि 50-50 लोगों को बैठाना, वो लोग पूछ रहे काय के लिए बैठना, खाना खाने के लिए बैठो वो कहाँ खाना है, अरे खाने का इंतजाम कहाँ गया, पता नहीं भैया, प्रभु हमारे गुरु कह रहे हैं, गुरु हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भोजन का उपाय अपनी बाइबल में लिया, अपनी रोटी पानी पर डाल और वो 7 समय के बाद तेरे पास फिर से लौट के आएगी, इसलिए भोजन का उपाय करो। भोजन हम इलायचीपुर में हालेलुया हम भोजन करते, कल जो है हमने बहुत सारा खाना ज्यादा बनाया, अब वो खाना बनाया और जो है वो जो आ रहे थे मजदूर वो नहीं आए, क्या करें, हमने जो गरीब को जो है वो दे दिया, हालेलुया कितनी अच्छी बात है। आप इन दिनों में उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो आप गरीबों को भोजन खिलाइए, हालेलुया, और ये भोजन का उपाय हमारा परमेश्वर करने वाला है आपके लिए, वो हमको खिलाता है पिलाता है, भूखे जरूर उठ जाते हैं लेकिन भूखे नहीं सोते, हमें खिला के सोता है, उपवास तोड़ के हम हालेलुया सोते हैं और हमारा प्रभु हमें देता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद। रोटी कपड़ा और रोटी कपड़ा और मकान, क्या बात है, प्रभु ये तीनों चीजें देता है, रोटी भी देता है, कपड़ा भी देता है और मकान भी देता है, प्रभु परमेश्वर में संभालता है। बाइबल में लिखा है कि जंगली सोसनों पर ध्यान करो, वे न तो वो, लेकिन फिर भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं। सिस्टर एलिस को मैंने बोला सिस्टर कितनी सुंदर साड़ी कैसी है, सिस्टर अंबा करी नहीं है, लेकिन नहीं है नहीं है, अरे वाह क्या बात है, इतने प्रभु हमें इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनाता है, हालेलुया, प्रभु कहता है कि सोसनों के फूल पर ध्यान करो, कितने सुंदर सुंदर जो है वो कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सुलेमान भी अपने पूरे राज वैभव में भी नहीं पहने थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जो है अभी शादी आ रही, किसी की शादी आ रही है, हमने प्रार्थना करी थी एक की शादी, 2 जुड़वी बहने हैं, एक की शादी लग रही थी दूसरी की नहीं लग रही थी, मैंने सबको बोला चलो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना प्रभु दूसरी की भी लग जा रहे प्रभु, वो दूसरी की लग गई, क्या चमत्कार होगा चमत्कार, दूसरी दोनों की भी शादी हो रही है अभी, और जो है मुझे ब्रदर कह रहे हैं पास्टर अब आपको तो एक सूट सिलाना पड़ेगा मुझको, मतलब भैया तुमने सूट वूट ना सिलाओ, मेरी जो है वो शादी की जो फीस है वही दे दो, वही काफी है, नहीं 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 वो तो दिलेगी मिलेगी सूट भी मिलेगा, मैंने कहा नहीं मजा नहीं 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 कितने पिछली बार भी जो है उन्होंने इना की शादी में लिया था बड़ा सुंदर सूट जो है मुझे अभी तक आ रहा है वो उनका टाइट हो गया, तो अब जब फिर से जो हम लेने जा रहे हैं जो सूट हाल लिया, तो है अल्पविश्वासी हो तुमको
क्यों ना पहनाएगा। पिछले साल में एक व्यक्ति मेरे पास आया, पास्टर था वो, मुझसे गरीब है। वो पास्टर कह रहे, पास्टर आपकी सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके लिए ना जो है एक सूट खरीदना चाहता हूँ। साउथ एक्स के शोरूम में ले गया उसको, ले लिया मैंने। आलू ले कौन सा चाहिए, लो पास्टर हाथ रखो और ले लो। मैंने सबसे अच्छा ले लिया, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले साल में एक फैमिली मेरे पास आई, तुम्हारे घर के सबको हम कपड़े पहना चाहते हैं इस क्रिसमस पे। हाँ क्या बात है, प्रभु का वचन सही हो रहा है। मैंने उनको तीन चार बार नकारा, तीन चार बार उन्होंने वो दिन बताया कि इस दिन आओ। मैंने क्या नहीं, ब्रदर आप क्यों खर्चा कर रहे हो, नहीं पास्टर हम करेंगे आएंगे। मैंने कहा ये प्रभु अगर देना चाह रहे तो हम नहीं क्यों कहें, गए क्या फिर हम सारे परिवार ले आए सारे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हे अल्पविश्वासी हो तुमको क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रभु उपाय करता है। हालेलुया। याद रखना वो सिर्फ जो है पास्टरों को उपाय नहीं करता। हमारे पास रॉबर्ट जराज को ही देगा नहीं, पास प्रदीप गायकवाड़ को देगा नहीं, लेकिन वो हर विश्वासी को भी देगा। अरे ताली तो बजाओ इस बात पे। हालेलुया। विश्वास करने का हर एक विश्वासी को देगा, आपको देगा, आपको हर एक आपका उपाय करेगा, आपकी जरूरतों को वो देगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों दे देगा। हालेलुया। तो कितने उपाय प्रभु ने हमने देखे अभी, पहली बात होम बलि के लिए भेड़ का उपाय, दूसरा उपाय कौन सा, शत्रुओं को बचाने का उपाय, तीसरा उपाय दुष्ट आत्मा को भगाने का उपाय। आप प्रार्थना करना जो है उस हरप्रीत के लिए, जो भी क्या हरप्रीत के लिए उसके मुंह से सांप की आवाज निकल रही है, सांप के अंदर सांप की दुष्ट आत्मा है, वो सांप को कुचलना है। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फर फर फस फस करता है वो दुष्ट आत्मा। तो तीसरा कौन सा था, दुष्ट आत्मा को दूर करने का उपाय। चौथा उपाय है। हाँ चौथा जो है वो यीशु के सामने लाने का उपाय। हालेलुया। आपके बेटे को कहाँ लाना पड़ेगा, तब पास होगा वो तो फेल हो जाएगा। हेलो, आपकी बेटी को कहाँ लाना पड़ेगी, यहाँ यीशु मसीह के पास, नहीं तो क्या हो जाएगी, वो बहक जाएगी, बहकती बहकती जाएगी। इसलिए जो बहके हुए है, जो बहके हुए नहीं भी है, उनको प्रभु के भवन में लाओ। प्रभु कहता है उसे मेरे पास लाओ। ये कुछ कौन सा था हमारा उपाय, चौथा उपाय। फिर पांचवा उपाय भोजन का उपाय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा भोजन का उपाय करता है। हालेलुया। जो है बाइबल में लिखा है एलिया, उस समय उस जमाने में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन सिर्फ सारपत की विधवा के पास ही एलिया को भेजा गया। आज यहाँ पे जो आप लोग बैठे हैं ना, ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आप यहाँ पे आते हो, और इसलिए आपको यहाँ पे बिठाया गया है। वो आपको आशीषित करेगा। कितनी खुशी की बात, सारपत की विधवा ने, हालेलुया, सारपत की विधवा ने, हालेलुया, उस एलिया को पूरे अकाल तक खिलाया, और उसके कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ, और उसके घड़े का आटा कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के दास को खिलाते हैं तो बरकत आती है, लेकिन हमें आपका पता ना, तो मेरा तो खाना तो एक अलग ही जो है मेरा चार्ज है, तो इसलिए आप मेरे खाने की चिंता मत करो, लेकिन हाँ प्रभु परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करो। भोजन का उपाय करेगा हमारा प्रभु, भोजन का उपाय करेगा। आखिरी उपाय बता के मैं बंद करूंगा, बहुत सारे उपाय हुए ना, लेकिन ये सारे आपके आशीष का उपाय है ये। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, भोजन जो है अभी हम देखते हैं कि सबसे कठिन और जो जिसको हर एक व्यक्ति चाहता है वो उपाय ये। और कौन सा उपाय बताएगा, हाँ पास्टर तो ये बोलेंगे आत्मा को जिंदगी मैं कह रहा हूँ। पैसे का उपाय भैया, पैसे का उपाय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पैसे का उपाय। हालेलुया। पैसे का उपाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास एटीएम मशीन है, क्या है, लेकिन प्रभु के एटीएम मशीन में कार्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलना पड़ता है 5000 खड़क से। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पास एक
मोरी के दाने के बराबर, कौन से दाना हो? राय का, हमारे मराठी में मोरी बोलते हैं। तो राय के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो पहाड़ों को तुम बताओगे और वो पहाड़ हट जाएंगे। ये मोरी का दाना कितना ऊंचा है, राय का दाना कितना पतला हो सकता, उतना सा विश्वास प्रभु मांग रहा है आपसे। कितने बड़े काम करने के लिए, पहाड़ देर से हटा देने के लिए, इतना सा विश्वास। प्रभु कहते तुम्हें पैसा चाहिए ना, मांगो तो बोलते तो पक्के सब लोग। प्रभु अब मुझे सहायता कर कि मैं ऐसे राय के दाने के बराबर के विश्वास से मांगू प्रभु जी। Amen, हालेलुया। और मुझको मिल जाए प्रभु जी, एटीएम मशीन में कैसे खड़ा से गिर जाता है प्रभु। प्रभु तेरे द्वारा भी स्वर से तो गिरा सकता है, हालेलुया। एटीएम मशीन खराब हो सकती है लेकिन मेरे प्रभु की एटीएम कभी खराब नहीं हो सकती, हालेलुया। उसका नाम यहोवा यरी है, हालेलुया। उसके पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, आपके लाखों करोड़ों रुपए का उपाय मेरे परमेश्वर के पहाड़ पर किया जाएगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस वचन को देखे हम, प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आने लगे, कहने लगे तू तेरा 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 गुरु जो है पदर, तेरा गुरु जो है वो मंदिर का कर नहीं देते ना, नहीं देता तो है, कहाँ है फिर, कहाँ इस बार का कर कहाँ है। फिर प्रभु यीशु मसीह के पास इतने गरीब थे कि वो पास पैसे नहीं थे उनके पास, उनके पास कुछ ऐसी महिलाएं थी, वो महिलाएं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करती थी, वो पैसे के द्वारा मदद करती थी। इस वक्त तो प्रभु यीशु मसीह पास कुछ था ही नहीं, वो हमारे लिए दरिद्र बना ताकि उसके दरिद्र होने जाने के द्वारा हम अमीर बन जाए। उसने पत्रस का प्रेत्रस जा रहे अपने एटीएम पे जा निकाल रहे से वो, हालेलुया। पढ़ेंगे उस वचन को, हालेलुया। जब वो घर में आए तो पढ़ेंगे हम मत्ती 17:25। तब वो घर में आया तो यीशु ने उनसे पूछने से पहले उससे कहा, हे शिमोन तू क्या समझता है, पृथ्वी के राजा महसूल या किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या पराये से? पत्रस ने कहा पराये से। यीशु ने कहा तो उससे कहा तो पुत्र बच गए इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले। प्रभु की प्रभु का एटीएम है, हालेलुया। क्या डाल? जाल डाल, बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आमेन, हालेलुया। और वैसे पत्रस ने किया, उसको पहला मछली मिली उसका मुंह खोला, हालेलुया, और उसको ले लिया और उनका जो है जो चिल्ला रहे थे बार बार उनको जो है उनका मुंह बंद कर दिया, और मगरमच्छों के मुंह बंद कर दिए, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर जो है वो हमें पैसा देता है, पैसा देना ये प्रभु के हाथ में है। बाइबल में लिखा है कि वो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है ताकि जो वाचा तेरे पूर्वजों के साथ खाई थी उसे पूरा करे। हमारे पूर्वज मतलब अब्राहम इसहाक और याकूब, हम आत्मिक इसराइल लोग हैं, हमारे साथ वाचा बांधी गई है उसको पूरा करना है, हालेलुया। तो प्रभु का एटीएम, प्रभु ने अपना सारा एटीएम जो है सुलेमान के पास खोल दिया और कहा तूने जो आराधना की मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए तेरे से पहले ऐसा इतना राजा नहीं होगा और बाद में भी इतना अमीर राजा नहीं होगा, इतना बुद्धिमान राजा नहीं होगा। और प्रभु ने उसको इतना अमीर कर दिया। अगर सुलेमान को परमेश्वर अमीर कर सकता है तो हमको नहीं कर सकता है क्या प्रभु? हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता क्या वो? वो जरूर करेगा। बाइबल में लिखा है कि जिस परमेश्वर ने अपना इकलौता भी पुत्र रखना ही छोड़ा वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा, हालेलुया। तो वो उसका स्वर्गीय खजाना हमारे लिए है, सिर्फ एक काम करेगा, हे परमेश्वर तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता उस परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमें शैतान के पैसे नहीं चाहिए जी, हमारे पास हमारे प्रभु के पास बहुत पैसा है, हमारे प्रभु के पास बहुत पैसा है, उससे ले लो आप डायरेक्ट, हालेलुया। कोई घुस का पैसा नहीं चाहिए हमको, हालेलुया। शैतान के हाथ से एक भी पैसा नहीं चाहिए हमको, हमारा खुदा जिंदा है और वो देगा और वो शक्तिमान है, वो मेरा यहोवा छुड़ाने वाला सामर्थ्य है और वो हमको सबको भर देगा, हमारी झोलियों को वो भर देगा।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आइए हम सब खड़े हो जाए। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते पिता, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज ये वचन आया है प्रभु हमारे पास बड़े सामर्थ्यशाली रीति से। इस वचन को आशीषित कर। तूने प्रभु अब्राहम को होम बलि की भेड़ का उपाय कराया और प्रभु तूने प्रभु एस्तेर के सारे दुश्मनों को प्रभु उपाय किया, प्रभु जी अच्छी तरह उपाय किया। प्रभु जी तूने प्रभु परमेश्वर पिता दुष्ट आत्माओं को दूर करने का उपाय हमें बता दिया और तूने कहा मेरी सामर्थ उपलब्ध रहेगी। तूने कहा प्रभु परमेश्वर पिता कि उसको मेरे पास लाओ, अपने बच्चों को मेरे पास लाओ, अपने माता पिता को मेरे पास लाओ ओ प्रभु परमेश्वर वो, ताकि प्रभु आलोल्य उनका उपाय तू करेगा। प्रभु मेरे सारे परिवार को हम प्रभु तेरे पास लाएंगे प्रभु जी, ताकि उनका उपाय तू करेगा। प्रभु परमेश्वर पिता हमारे भोजन का उपाय तू करता है। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी, तू हमें, तू हमारी एटीएम है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारी एटीएम है, तू हमें पैसा देता है प्रभु। तेरे कारण हमें पैसा मिलता है, तेरे कारण हमारे चर्च में गाड़ियां आ रही है, तेरे कारण हमारे घर में प्रभु हमारे चर्चेस प्रभु आशीषित हो रहे हैं, तेरे कारण प्रभु परमेश्वर इतने बड़े बड़े फ्लैट्स मिल रहे हैं प्रभु जी। ये परमेश्वर का एटीएम है, हालेलुया। प्रभु हम तेरी और देखते हैं, तेरी और देखते हैं प्रभु जी, और तो आशीष दे अपने लोगों को, जिनको नहीं है प्रभु उनको भर दे, उनके घरों को भर दे खुदा बाप। हमें लालची नहीं बनना है प्रभु जी, हमें तेरे ऊपर भरोसा करना है प्रभु जी। आशीष दे प्रभु इस वचन के द्वारा लोगों से तू बोल और बातचीत करता रहे प्रभु, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद तूने हमारी दुआ कबूल करी है, प्रार्थना को प्रभु यीशु, प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जो इलाचीपुर में काम चल रहा है उस काम को तू आशीषित कर, तेरी महिमा होने दे प्रभु, सारे बंधन तोड़ दे यीशु के नाम से। इस प्रार्थना को मांगते सुनो कबूल कर पिता, आमीन और आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद यीशु प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए प्रभु, ये वचन हमारे मनों में काम करेगा प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह में बनी रहे। आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष।